नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एक एंकर पावर बोर्ड का कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों, इस बोर्ड के माध्यम से आप वाटर हीटर, गीजर, समरसेबल, एसी इत्यादि इससे आराम से चला सकते हैं। ये बोर्ड दोस्तों पावर वाला है और एंकर कंपनी का है। तो हम फटाफट दोस्तों इस बोर्ड का बनाने का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप कश्यप। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मल्टीपल गुरु में। तो दोस्तों, हम फटाफट ये एंकर पावर बोर्ड बनाने का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए दोस्तों हम ये बोर्ड का ऊपर ये सीट का हिस्सा ले लेंगे 2 सॉकेट 16 एम्पियर एंकर के और 2 स्विच 16 एम्पियर एंकर के इसमें लगा लेंगे। तो हम फटाफट स्क्रू की मदद से इस बोर्ड में ये स्विच सॉकेट इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने इस सीट में 2 स्विच 16 एम्पियर के एंकर कंपनी के लगा लिए। इसी प्रकार हमने 2 सॉकेट 16 एम्पियर के एंकर कंपनी के लगा लिए हैं। अब दोस्तों यहां से वीडियो आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब हम इस वीडियो में इस पावर बोर्ड का कनेक्शन करना बताएंगे। तो हम फटाफट दोस्तों इस बोर्ड की वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। इस बोर्ड की वायरिंग के लिए दोस्तों हम ये 1.5 square mm का 2 कलर का वायर लेंगे, जिसमें से एक कलर ये अपना ब्लू कलर का है। इसी प्रकार हम एक ये रेड कलर का वायर ले लेंगे दोस्तों, ये भी 1.5 square mm का है। तो सबसे पहले हम ये रेड वाला वायर ले लेंगे। रेड वाले वायर को स्विच के ऑफ वाली पोजिशन ऊपर वाले टर्मिनल में लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों एक ये रेड कलर का छोटा वायर लेंगे, जो हम इस वायर को फेस के उसी टर्मिनल में लगा लेंगे जिसमें हमने अभी रेड वाला वायर लगाया था। और एक हिस्सा दोस्तों दूसरे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में इस प्रकार से ऐड कर लेंगे। ये हमारा दोस्तों फेस का वायर कंप्लीट हो चुका है, जो हमने स्विच के दोनों ऊपर वाले टर्मिनल में लगा दिया है। अब हम ये ब्लू वाला वायर लेंगे, जो हम न्यूट्रल के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वायर को सॉकेट के लेफ्ट वाले टर्मिनल में लगा लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों इस सॉकेट से इस सॉकेट में न्यूट्रल का कनेक्शन देने के लिए न्यूट्रल वाले इस वायर के साथ में हम एक ये छोटा वायर और ऐड कर लेंगे, और ये ब्लू वाले वायर का एक हिस्सा दूसरे सॉकेट के लेफ्ट वाले टर्मिनल में लगा लेंगे। ये दोस्तों हमारा न्यूट्रल वाला वायर भी कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों इस स्विच से हम इस सॉकेट को ऑपरेट करेंगे, जिसके लिए हम ये छोटा सा रेड वाला वायर ले लेंगे, जिसको हम सॉकेट के राइट वाले टर्मिनल में कुछ इस प्रकार से लगा लेंगे। और दोस्तों इस वायर का एक हिस्सा हम स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में, जो हमारा बचा हुआ था, उसमें इस प्रकार से ऐड कर लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों एक ये रेड वायर और लेंगे, जिससे हम इस स्विच से इस सॉकेट को ऑपरेट करने के लिए इसी प्रकार लगा लेंगे, जैसे हमने इस स्विच से इस सॉकेट को ऑपरेट करने के लिए इस वायर को ऐड किया था। तो सबसे पहले हम इस वायर को सॉकेट के राइट वाले टर्मिनल में, जो अपना बचा हुआ था, उसमें लगा लेंगे, और वायर के एक हिस्से को उसी प्रकार से लगा लेंगे जैसे हमने इस वाले स्विच से सॉकेट को कनेक्ट करने के लिए लगाया था। ये हमारा दोस्तों बोर्ड का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम फटाफट दोस्तों स्क्रू लगाकर इस बोर्ड को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम दोस्तों फटाफट इस बोर्ड की टेस्टिंग करते हैं। इस बोर्ड की टेस्टिंग के लिए दोस्तों एक्सटेंशन वायर लेंगे। एक्सटेंशन वायर में दोस्तों अपने बोर्ड का न्यूट्रल और फेस वाला वायर दोनों इसमें लगा लेंगे। लगाने के बाद दोस्तों हम इस बल्ब की मदद से की टेस्टिंग करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक दोस्तों ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे
और लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके। तो हम फटाफट इसकी टेस्टिंग दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसकी टेस्टिंग के लिए दोस्तों अपने बल्ब के ये दोनों वायर सॉकेट के दोनों पॉइंट्स में लगा लेंगे और जब इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा और जब इस स्विच को ऑफ़ करेंगे तो हमारा बल्ब ऑफ हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लेफ़्ट वाले सॉकेट की भी टेस्टिंग दोस्तों कर लेते हैं। लेफ़्ट वाली सॉकेट की टेस्टिंग के लिए भी दोस्तों हम ये दोनों वायर अपने बल्ब का इस सॉकेट में लगा लेंगे। इस स्विच को ऑन करेंगे तो अपना बल्ब ग्लो करेगा और जब हम इस स्विच को ऑफ़ करेंगे तो हमारा बल्ब ऑफ हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आप एंकर पावर बोर्ड का कनेक्शन अपने घर में अपने हाथ से बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। नई जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।